हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि एक विल बनाने का क्या फॉर्मेट होता है। विल विल का मतलब टेस्टामेंट। टेस्टामेंट मींस वसीयत। एक वसीयत जब हम बनाते हैं, जब भी एक इंसान एक वसीयत बनाता है, तो उसके को बनाने के पीछे क्या मोटिव है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कब आप उस विल को खारिज करवा सकते हैं, कैसे आप उसको चेंज करवा सकते हैं, आज हम इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं विल है क्या। विल जो है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर आता है और ये कहता है, ये एक ऐसा लीगल डिक्लेरेशन होता है किसी भी आदमी का या औरत का उसकी प्रॉपर्टी को लेके, चल या अचल संपत्ति को लेके, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को लेके, जो भी लीगल डिक्लेरेशन एक टेस्टेटर करता है। यस, टेस्टेटर। टेस्टेटर मतलब वो इंसान जिसने विल बनाई है। तो टेस्टेटर जो भी अपने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके जो भी डिसीजन लेता है, लीगल डिक्लेरेशन करता है कि मैं इसके नाम पे ये प्रॉपर्टी करना चाहता हूँ, उसी को हम विल कहते हैं, वसीयत कहते हैं। इसमें जो टर्म्स होती हैं, जिसको जो विल बनाता है, उसको जो वसीयत करता, उसको हम कहते हैं टेस्टेटर। जो विल होती है उसको कहते हैं टेस्टामेंट। और जो जिसके नाम पे विल बनाई जाती है, मतलब अगर मुझे किसी ने मेरे नाम पे विल अगर बना के दिया कि मैं उनके मरने के बाद सारी उनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, तो मैं कहलाऊंगी बेनिफिशियरी। तो जिसके नाम पे विल बनती है वो बेनिफिशियरी होता है, जो विल बनाता है वो टेस्टामेंट टेस्टेटर होता है, और जो विल बनाई जाती है उसको टेस्टामेंट कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए। दूसरा, जो विल का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर आता है। सेक्शन 2H जो है विल को डिफाइन करता है कि विल होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे, जो विल बनाई जाती है हमारे हिंदू इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, वो विल हर कास्ट के ऊपर एप्लीकेबल है सिवाय मुस्लिम्स के। मुस्लिम का जो विल बनाने का फॉर्मेट है वो अलग है, उनका विल बनाने का तरीका अलग है। तो इसीलिए हिंदू, सिख, जितने भी हैं धर्म, उन सब के लिए हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट वर्क करता है, बट मुसलमानों पे नहीं करता। विल जो होती है वो सबको बनानी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम रहते हैं, जिसके को आप अपने विल जिसके नाम पे बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत आसान हो जाता है बाद में हर काम करने का, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अपनी लाइफ का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, तभी कहते हैं कि जितना जल्दी लाइफ में हो सके विल बना लेना चाहिए। बट कई लोगों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि अब हम अगर छोटी एज में विल बना दें और आगे आते आते हमें ऐसा लगे कि विल हमने तो गलत बना दी, तो विल का क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप अपनी लाइफ में एक टाइम पर कितनी ही विल बना लीजिए, अनलिमिटेड विल बना सकते हैं आप, बट आपके मरने से पहले जो आखिरी विल बनाई गई है आपके द्वारा, वही फाइनल विल समझी जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप मरने से पहले 100 विल बना चुके हैं, तो जो 100वीं विल है आपके मरने से पहले की, जो लास्ट वाली विल है, वही आपकी फाइनल विल मानी जाती है। उससे पहले की 99 अपने आप खारिज हो जाती है। विल को खारिज करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप नई विल बना दीजिए, पुरानी अपने आप खारिज हो जाएगी। दूसरा, आपकी जो पुरानी वाली विल है उसको आप कैंसिल डॉक्यूमेंट दे दीजिए, कैंसिलेशन करा दीजिए उसका। तीसरा, आप पुरानी विल को फाड़ दें, टेम्पर कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें किसी भी तरीके से, तो अपने आप खारिज हो जाएगी। नेक्स्ट इज, जो विल होती है उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टैम्प पेपर ही पे ही विल बनाना है। एक प्लेन पेपर पे भी, प्लेन वाइट पेपर पे भी आप अपनी विल लिख सकते हैं उसी पे। मगर आपके जितने भी विल के पेजेस हैं, हर पेज पे जो टेस्टेटर होता है, जो वसीयत बनाता है, उस जो विल बनाता है, उसके सिग्नेचर हर पेज पे होने ज़रूरी है। हर पेज के ऊपर उसका साइन होना मैंडेटरी है। एक और क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या विल हमेशा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है विल का रजिस्ट्रेशन होना। बट यस, रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन कराने के कई फ़ायदे हैं। एक तो आपका जो डिस्प्यूट है बाद में, जिसके नाम पर आपने विल की है, डिस्प्यूट नहीं रहते उनके पास। एविडेंट्री वैल्यू उसकी बहुत हाई होती है। बैंक की डिटेल्स दिखाने में बहुत काम आती है, बैंक से लोन लेने में बहुत काम आता है। तो इसीलिए विल को हमेशा ही आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। एक रजिस्टर्ड विल हमेशा काम आती है। कभी भी आपको, मतलब कंपल्शन कोई नहीं है, बट आपको करानी चाहिए। नेक्स्ट इज, आपकी जो विल होती है ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है लाइफ टाइम के लिए। बट अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे, अगर विल को कोई चैलेंज करना चाहे, तो उसका लिमिटेशन पीरियड है 12 साल। विल के बनने के 12 साल के अंदर अंदर अगर कोई चैलेंज करना चाहता है उस विल को, तो 12 साल के अंदर अंदर कर ले,
जिस दिन से वो लागू हुई। सपोज मैंने विल बनाई अपने किसी अनुयायी के लिए या अपने बच्चे के लिए, मैंने विल बनाई, अब मेरी विल मेरे मरने के बाद एप्लीकेबल होगी। पहली बात तो जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन से वो एप्लीकेबल हो गई। अब उस दिन से लेके 12 साल के अंदर अंदर कोई दूसरा इंसान उस पर आके चैलेंज कर सकता है, अगर उसको चैलेंज करना है तो। 12 साल बीत जाने के बाद कोई भी उस विल को चैलेंज नहीं कर सकता, वो जैसी है वैसी इंटैक्ट रहेगी। बहुत ज़रूरी एक बात यह है कि यस, विल जब भी बनाई जाती है तो दो विटनेस का रहना बहुत ज़रूरी है। दो विटनेस की कंपलसरी अटेस्टेशन उसके ऊपर चाहिए, उन दोनों विटनेस के सिग्नेचर्स उसके ऊपर चाहिए, उनके सामने ये विल बनाई जाती है। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 22 मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंडर नरेंद्र सिंह वर्सेस महेंद्र सिंह के केस में, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना विटनेस के, बिना जो विटनेस के सिग्नेचर के, कोई भी विल नहीं मानी जाएगी, वो एक प्लेन पीस ऑफ पेपर ही माना जाएगा। नेक्स्ट, विल जो होती है हमेशा फ्री विल से बननी चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई फोर्स, कोई कोएर्शन, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, वो आपके फ्री माइंड से बननी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, विल हमेशा 18 साल से ऊपर वाला इंसान बना सकता है, साउंड माइंड का आदमी बना सकता है, बैंकरप्ट इंसान विल नहीं बना सकता है, और आपकी अपनी प्रॉपर्टी के लिए ही आप विल बना सकते हो, किसी और की प्रॉपर्टी के लिए आप विल कभी भी नहीं बना सकते। और कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो पर्सन, आपको कॉम्पिटेंट की डेफिनेशन पता होगी, एक इंसान जो फोर्स में नहीं बना रहा है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, 18 साल से ऊपर है, साउंड माइंड का आदमी है। विल जो है मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के लिए बनाया जा सकता है, और वो प्रॉपर्टी का जो लीगली ट्रांसफरेबल है, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको आप लीगली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके लिए आप विल नहीं बना सकते। विल हमेशा रिटर्न होनी चाहिए, ओरल विल क्या ज़्यादा अस्तित्व नहीं होता, आपको विल हमेशा रिटर्न होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए उसके टेस्टेटर के हर पेज पर, विटनेस के साइन होने चाहिए। अब विल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले विल के फॉर्मेट में टेस्टेटर जो विल बना रहा है उसका नाम, उसका पता, उसके फादर का नाम, सब कुछ होना चाहिए। फिर जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स उसमें लिखी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी कितनी है, क्या है, कहाँ पर है, उसका एड्रेस, उसकी वैल्यू, सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। प्रॉपर्टी की डिटेल्स के बाद आपके पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, मतलब आपकी खुद की अर्नड है या आपके फादर की दी हुई प्रॉपर्टी है, वो आपको बतानी है। और लास्ट में जो बेनिफिशियरी है जिसके नाम पे आप विल को ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस बेनिफिशियरी का नाम, एड्रेस, उसकी डिटेल्स, उसके फादर का नाम, सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। विल हमेशा अगर आपको रजिस्टर करानी है तो सब रजिस्ट्रार के पास करवाई जाता है, और एक हफ्ता लगता है एक विल को रजिस्टर होने में, जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर या थंबप्रिंट्स होते हैं, और इसकी एक कॉपी जो है वो सब रजिस्ट्रार के पास रखी जाती है, ताकि अगर आपके पास कोई टेम्पर करे उस बिल को या कोई छेड़छाड़ करे उस बिल के साथ, तो सब रजिस्ट्रार के पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपने फ़ोन नंबर सब कुछ लिख दिया, उसके बाद आपकी उसके अंदर डिक्लेरेशन होनी चाहिए कि जो भी आपने इस विल में लिखवाया है वो आपसे विदाउट एनी फोर्स लिखवाया गया है, आप अपनी मंशा से ये सब कुछ लिख रहे हैं, आप अपनी मर्जी से ये सब कुछ लिख रहे हैं, और आपके ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। और उसके बाद इसमें लास्ट में आती है एग्जीक्यूटर की डिटेल। एग्जीक्यूटर कौन होता है, वो इंसान जिसने आपकी विल को लीगल डिक्लेरेशन बनाया है, मतलब वो लॉयर या वो कोई भी इंसान जो कि आपकी इस विल को लीगल फॉर्म दे रहा है उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटर की भी डिटेल लिखी जाती है पूरी की पूरी। विल जो होती है वो बहुत ही क्लियर बनी होनी चाहिए, उसमें कोई लैंग्वेज का हेर फेर नहीं होना चाहिए, कहीं पर टेक्निकल चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए जिसके डबल मीनिंग मतलब निकलते हों, वो कभी भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो आगे जाके डिस्प्यूट का कारण बन सकते हैं। और इसके अलावा टाइम टू टाइम आपको अपनी विल को रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करने का मतलब है कि आपको अपनी विल को, अगर आपने जैसे एक बीच में आपने ये विल बना दी कि मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है मैं एक्स को के नाम करके जाऊंगा, तो अगर इन केस आपने बीच में दो प्रॉपर्टी और नहीं खरीदी है तो आपको अपनी विल को चेंज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, और आप उसमें वो एडिशन कराएंगे, क्योंकि वो नई प्रॉपर्टी आपकी पुरानी प्रॉपर्टी डिटेल्स में मेंशन नहीं थी, तो आपको वो भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर इन केस आपका जॉइंट विल बनाई है आपने, जॉइंट विल का मतलब होता है कि आपके विल जो है जैसे हस्बैंड वाइफ मिलके विल बना दे कि हम अपनी प्रॉपर्टी एक्स के नाम कर रहे हैं, तो जॉइंट विल तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब एक्स जो हस्बैंड वाइफ थे दोनों की डेथ हो जाएगी। एक की डेथ होने से वो विल एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, जब दोनों की डेथ हो जाएगी तभी वो एग्जिस्टेंस में आएगी। और अगर एक पर्सन दो आदमी के नाम पर विल बना के जाता है कि दो लोगों के नाम पर विल है,
तो एक उसमें अगर जैसे वो आदमी मर गया तो और दूसरा वाला जो है उसको अपना हिस्सा ही मिलेगा 50%, बाकी 50% वो उसको नहीं मिलेगा। और उसके बाद एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो ये है कि अगर कोई इंसान जैसे इंश्योरेंस कराता है और इंश्योरेंस में उसने नॉमिनी किसी और को बना दिया और अपने विल का जो बेनिफिशियरी है वो किसी और को बना दिया, तो उन केसेस में डिस्प्यूट होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें हमेशा जो जीत के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो बेनिफिशियरी के ज़्यादा होते हैं, नॉमिनी के कम हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि बेनिफिशियरी और नॉमिनी आप एक ही बनाएं ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। कोडोसिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो वैलिड है बिल्कुल। विल जो बना चुका है और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है या कोई रिव्यू करना चाहता है या कोई भी उसमें ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको पूरी विल को दोबारा से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसमें कोडोसिल अटैच कर दीजिए। कोडोसिल एक छोटा डॉक्यूमेंट होता है जो विल के साथ ही अटैच हो जाता है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो उसके साथ साथ लग जाते हैं। ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो विल किस तरीके से बननी चाहिए और उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। इसके अलावा एक विल कुछ भी नहीं मांगती है। विल बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। विल का शुरुआत होती है मैं डैश डैश डैश, जिसमें आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना एड्रेस लिखेंगे, जो मैं टेस्टेटर हूँ और मैं अपनी फॉलोइंग प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी डिटेल्स आती है नीचे, जिसमें कि आप सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स डालेंगे। प्रॉपर्टी डिटेल्स डालने के बाद उसकी वैल्यू, उसकी एरिया, उसका एड्रेस सब कुछ डालेंगे। नीचे आप बेनिफिशियरी का नेम, उसका एड्रेस, का पता सब कुछ लिखेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटर का नाम आएगा। हर पेज पे टेस्टेटर के सिग्नेचर आएंगे, साथ ही साथ लास्ट में डिक्लेरेशन आता है। ये विल का फॉर्मेट होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ आने से मतलब है। अगर चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं तो आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत अच्छी हुई हुई है। तो हर उस एडवोकेट को मेरी एक एडवाइस है कि चीज़ों को सिंपल रखिए, अंडरस्टैंडेबल रखिए, क्योंकि इंग्लिश पैरामीटर नहीं है आपके अच्छे एडवोकेट होने का। अच्छा ड्राफ्टिंग, ईजी टू अंडरस्टैंड ड्राफ्टिंग जो है वो एक पैरामीटर होता है किसी भी चीज़ को समझने का और एक अच्छी ड्राफ्टिंग का। तो इसी के साथ मेरी आप सबको गुड विशेस। उम्मीद करती हूँ मेरा ये जो विल का फॉर्मेट बताने का तरीका है आपको समझ आया होगा। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9953-08400। मैं आपको विल का फॉर्मेट दे सकती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ कोई डाउट नहीं रहे होंगे। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ ही साथ कॉमेंट ज़रूर छोड़िए ताकि मुझे समझ में आए, मुझे वो मोटिवेशन मिले कि आपको मेरे वीडियोज़ यूज़फुल लग रहे हैं। Thank you so much.